एनिमल मूवी क्या आपने देखी अभी तक? नहीं देखी? देखी नहीं देखी? अरे यार किसका वेट करो, जल्दी जाके देखो अभी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्या इस मूवी में जो हमें देखनी चाहिए। तो ये तमाम तरह के डाउट आज मैं क्लियर करूंगा आपके, ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और इस वीडियो में जानेंगे इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा, फर्स्ट वीकेंड कैसा रहा है, और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपको ये मूवी देखने के लिए मजबूर कर देंगे। बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो सबसे पहले फैक्ट जाने या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जाने? तो चलो पहले फैक्ट ही जान लेते हैं ताकि आपकी दिलचस्पी बने रहे इस वीडियो में। हाँ, तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस मूवी को खास बनाते हैं, दिलचस्प बनाते हैं। नंबर वन, एनिमल मूवी 3 घंटे और 21 मिनट की है, यानी इतनी लंबी मूवी होने के बावजूद भी लोगों को पसंद आ रही है, मतलब इसमें कुछ खास है तभी आ रही है। नंबर टू, एनिमल मूवी एडल्ट सर्टिफिकेटेड है, इसके बावजूद भी लोगों को काफी पसंद आ रही है। नंबर थ्री, एनिमल मूवी नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी मूवी है। तो दोस्तों ये भी काफी बड़ी बात है कि विदेश में भी पसंद आ रही है, खासतौर से अमेरिका में भी काफी चल रही है, तो बड़ी मूवी है। नंबर फोर, हिंदी सिनेमा के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हिंसक मूवी है, पूरी हिस्ट्री खोल लीजिए, लेकिन इससे ज्यादा हिंसक मूवी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, हिंदी सिनेमा की बात कर रहा हूँ। इस मूवी के हर घंटे 12,000 टिकट एडवांस बुकिंग में बिके थे, तो ये भी बहुत बड़ी दिलचस्प बात है। नंबर सिक्स, फिल्म के एक फाइट सीन के लिए 400 से 500 कुल्हाड़ियां और 800 मास्क का यूज किया गया था, जिसे सेट पर बनाया गया था। नंबर सेवन, फिल्म में पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद स्क्रीन पर लिखा आता है एनिमल पार्क, ऐसा कुछ जो इस मूवी की सिक्वल का हिंट देता है, यानी हो सकता है इस मूवी का सिक्वल भी बने, ऐसा कुछ पहले ही जाहिर कर दिया है यहाँ पे। नंबर एट, फिल्म में 500 किलोग्राम के मशीन गन का यूज किया गया जिसे 100 वर्कर्स ने मिलकर बनाया था, इसे बनाने में तकरीबन 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। मशीन गन आपने ट्रेलर में देखी होगी कितनी बड़ी मशीन गन है, वाकई में बहुत ही बड़ी है, और 1 करोड़ लगा बनाने में, जिसे सेट पे बनाया है, भाई बहुत ही ग्रेट है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे जो इस मूवी को अलग बनाते हैं, देखने के लिए मजबूर करते हैं, और वाकई में मजबूर किया है इस मूवी को देखने के लिए, तभी आप इतना कलेक्शन देख रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। तो चलो जानते हैं एनिमल मूवी ने कितना कलेक्शन किया है 3 दिन में, पहला वीकेंड कैसा रहा है। और पहले वीकेंड की बात करें तो पहला वीकेंड बहुत ही बम्पर ओपनिंग किया यहाँ पे। अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए, पूरी दुनिया की बात की जाए, तो इस मूवी ने 3 दिन में 355 करोड़ के करीब कमाए हैं, बहुत बड़ी कमाई है ये। और दोस्तों इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कैसा रहा इसका वीकेंड, 202 करोड़ रुपए कमाए हैं 3 दिन में, जो कि बहुत बड़ा कलेक्शन है। इस मूवी ने आखिरकार छप्पर फाड़ दिए हैं बॉक्स ऑफिस के, छप्पर फाड़ दिए हैं। वीकेंड कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और दूसरी सबसे बड़ी वीकेंड कलेक्शन वाली मूवी बन गई है। जवान के बाद सबसे ज्यादा वीकेंड कलेक्शन देने वाली मूवी बन गई है ये। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस में 42.17 मिलियन की कमाई करके टॉप पर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि इस मूवी ने हंगर गेम और नेपोलियन मूवी को पीछे छोड़ दिया है। प्रभास की अपकमिंग मूवी सलार को नुकसान पहुंचा सकती है और शाहरुख खान की डंकी मूवी को इससे फायदा हो सकता है। आखिर कैसे बताता हूँ, जिस तरीके से मूवी चल रही है, फर्स्ट वीकेंड बहुत शानदार चला है, कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, इसी तरीके से चलती रही तो मूवी 3-4 हफ्ते तक रुकने वाली नहीं है, और इससे प्रभास की सलार को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑडियंस एनिमल मूवी में वोलेंस ऑलरेडी देख चुकी है और सलार मूवी भी इसी थीम पर है, क्योंकि लोगों ने मारधार तो देख ली है, अब वो एक लाइट हेडेड कॉमेडी मूवी देखना ज्यादा पसंद करेंगे। एनिमल मूवी चौथे वीक तक चलेगी, उसके कुछ शोज तब भी रहेंगे जो सलार को डेंट देगी। एनिमल में अलग तरह का वोलेंस है, और सलार मूवी की बात की जाए तो सलार KGF जैसी होगी। भले ही सलार मूवी में वोलेंस होगा, लेकिन एनिमल मूवी में जिस लेवल का वोलेंस है, उसको देखने के बाद लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एनिमल मूवी में जमकर मार धाड़ है, तो ऐसे में लोग चौथे हफ्ते तक या तो एनिमल देखना पसंद करेंगे या फिर डंकी देखना पसंद करेंगे, और इसी वजह से डंकी को फायदा होने वाला है। एनिमल के साथ में एक और मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है सैम बहादुर, इसे थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ है। सैम बहादुर ने 3 दिन में 25 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर ट्रेड एक्सपर्ट की माने तो ये मूवी 750 करोड़ रुपए ओवरऑल कलेक्शन कर सकती है। तो फिर एनिमल मूवी रणबीर कपूर की सबसे बड़ी हिट मूवी साबित होगी। रणबीर कपूर ने अपने 16 साल के फिल्मी कैरियर में 20 फिल्में बनाई है, जिसमें 11 फिल्में उन्होंने फ्लॉप दी है, 9 फिल्में उन्होंने हिट दी है। इसी लिहाज से ये मूवी इनके लिए बहुत ज्यादा अहम है। इस मूवी में रणबीर कपूर अपने लवर बॉय इमेज से अलग एंग्री यंग मैन के रोल में है। एनिमल मूवी के लिए रणबीर कपूर ने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। इस मूवी में रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस को देखने के बाद एनिमल मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा कि रणबीर जैसा कलाकार उन्हें आज तक नहीं मिला है। तो सोचिए दोस्तों, इतने बड़े डायरेक्टर ने इतनी बड़ी बात कही है, तो ये मूवी कैसी होगी। ऑसम लेवल की मूवी है दोस्तों, तो आप जरूर देखिए इस मूवी को। वैसे मैं आपको बता दूं, संदीप रेड्डी वांगा ने अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी मूवी बनाई है। वैसे कबीर सिंह बहुत ही ज्यादा चर्चित मूवी रही है, आप सभी ने जरूर देखी होगी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी। ऐसा ही कुछ एनिमल के साथ हो रहा है, 18+ मूवी होने के बाद भी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मूवी पारिवारिक मूवी नहीं है, और महिलाओं को ये मूवी शायद ही पसंद आए, और फैमिली मूवी नहीं है, लेकिन यूथ को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, काफी तारीफें हो रही है इस मूवी की।
इसके डायरेक्टर की, संदीप रेड्डी वेंगा ने जो काम किया इस मूवी में, रणबीर कपूर ने जो काम किया इस मूवी में, इसकी बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं और बॉलीवुड को नया सुपरस्टार मिल गया है रणबीर कपूर के रूप में। इस मूवी को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि रणबीर कपूर इस मूवी के लिए बने हैं। अगर यहाँ पे कोई दूसरा एक्टर होता तो शायद इतना अच्छा नहीं काम कर पाता। अगर दोस्तों आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि क्यों नहीं देखना चाहते। बाकी ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।